हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू विद्याफर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत। और आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस, केवीएस, या फिर आप क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ रहे हैं, तो आज मैं कवर करने वाला हूं क्लास ट्वेल्थ का ही टॉपिक। ये मेरे कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये भी मैं कंटिन्यू करूँगा जब तक मैक्रो इकोनॉमिक्स कम्प्लीट ना हो जाए। आने वाले 5 से 7 वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यदि एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो, यदि आप जीके की भी बात कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक से ही बनते हैं। क्योंकि जब भी हम बात करें इकोनॉमी की, जब भी हम बात करें एक टेरिटरी की, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट ही होते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मनी और बैंकिंग से। मनी और बैंकिंग को लेकर के आपके जहन में जितने भी सवाल होंगे, जो आपने 12th क्लास के आपके सिलेबस में दिए हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं भी दिए हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। तो बहुत सारी बातें करेंगे, शुरुआत करते हैं। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि मनी का एवोल्यूशन क्यों हुआ, मनी क्यों आई। अरे मनी क्यों आई, इसके लिए दुनिया का एक ही नियम है कि जब तक कोई प्रॉब्लम ना आएगी, जब तक कोई समस्या ना आएगी, वो कोई भी चीज़ का इनोवेशन नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी चीज़ का इनोवेशन हो, कोई चीज़ नहीं आएगी, तो वो इसी वजह से आएगी जब कोई नई आवश्यकता हो, जब कोई नई, जब कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। जब प्रॉब्लम होती है तभी जो है उसका सॉल्यूशन आता है। तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जब मनी नहीं थी तब भी ट्रांजैक्शन होते थे, तब भी चीज़ें बिकती थी, और जब चीज़ें बिकती थी, जब चीज़ें खरीदते थे, तो वो बार्टर एक्शन सिस्टम के थ्रू खरीदते थे, चीज़ों के बदले में चीज़ें, जिसको हम बोल सकते हैं सी टू सी इकोनॉमी। इट मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, या कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, जिस देश में, जिस पर्टिकुलर बाउंड्री में कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता है, उसको सी टू सी इकोनॉमी बोला जाता है। अब हम आगे बातचीत करते हैं कि सी टू सी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या थी। हम लोग जल्दी जल्दी बात को कवर करेंगे अब कि सी टू सी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या थी। सी टू सी इकोनॉमी की प्रॉब्लम ये थी कि यार, मान लीजिए आपके किसी एक व्यक्ति के पास, मान लीजिए मेरे पास एक भैंस है ना, और मुझे जो है बकरी चाहिए। अब मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो मुझसे भैंस खरीद ले और मुझे उसके बदले में बकरी दे दे। या से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास जो है, मान लीजिए बकरी है, 4 बकरी है, और मैं चाहता हूं कि मुझे वीट चाहिए, गेहूं चाहिए। अब मुझे गेहूं चाहिए तो मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं मुझे दे दे और बकरी ले ले, राइट। तो ऐसा व्यक्ति मुझे ढूंढना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी जिद्दोजहद करना पड़ेगी, काफ़ी मुश्किल होगी। मैं हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास जाऊं, उससे मिलूं, यार मुझे गेहूं दे दो। वो बोलेगा यार मेरे पास गेहूं तो है लेकिन मैं बकरी नहीं लेना चाहता, क्या करें। तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, ऐसी प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो बार्टर एक्शन सिस्टम की एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का नाम था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम रहेगी। आप कुछ बेचना चाहते हैं लेकिन वो सामने वाला खरीदना नहीं चाहता, क्या करें। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम जो है वो रहती। सेकंड प्रॉब्लम इस बात की थी कि यदि आज हमको कोई चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो बड़ा आसान है, जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ों की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, कुछ की चीज़ को मेजर करने के लिए अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग मेजरमेंट है। जैसे कि हमें किसी चीज़ का वेट कैलकुलेट करना है तो हमने किलो में कर लिया, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम। हमने किसी की हाइट नापना है तो हमने मीटर में, सेंटीमीटर में हमने जो है वो कैलकुलेट कर ली। हमने डिस्टेंस आप नापना है तो हमने किलोमीटर में नाप ली। बट यार किसी चीज़ की कीमत को कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट करें, कीमत को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें, हम कैसे पता करें यार कि जो है किसी चीज़ की कीमत कितनी है। वो से फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें कोई चीज़ एक्सचेंज करना है, हमें एक, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक बकरी है, वो बकरी को मुझे देना है और गेहूं खरीदना है,
तो एक बकरी के बदले में कितने गेहूं दे, उसको कैलकुलेट कैसे करें, या चार बकरियों के बदले में कितनी भैंस आएगी उसको कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेट करने का बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। आज हमारे पास एक सिस्टम है कि भाई एक बकरी की कीमत 500 रुपये, चार बकरी की कीमत कितनी हुई 2000 रुपये, चलो ठीक 2000 रुपये हो गए। अब 2000 रुपये हैं हो गए, अब बोले गेहूं क्या किलो है, गेहूं 50 रुपये किलो है, तो 2000 रुपये में कितने गेहूं आएंगे भाई, 2000 रुपये में जो आपके हो गए 2000 रुपये में 40 किलो गेहूं हो गए, राइट। तो 40 किलो गेहूं आएंगे, ये कैलकुलेशन हो गया, मेजरमेंट करना बड़ा ही आसान हो गया। लेकिन उस समय यदि आप सोचें कि चार बकरियों से कितने गेहूं होंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो थी लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, चीज़ों की वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तो ये एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम का नाम है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट इट मीन्स फ्यूचर पेमेंट, कि फ्यूचर में पेमेंट कितना होगा, ये फ्यूचर का पेमेंट कैलकुलेट करना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हुआ करता था। कैसे, से फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको एक भैंस दे दी, है ना। मैं एग्जाम्पल इसे ऐसे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बात पुरानी है, पुराने समय की बात है, इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैंने आज आपको एक भैंस दे दी, 6 महीने बाद आप मुझे उसके ब्याज सहित क्या दोगे, 6 महीने बाद आप मुझे ब्याज सहित क्या दोगे। जैसे आज के टाइम के लिए हम बात करें तो आज के टाइम यदि मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपये दिए हैं या 10,000 रुपये की मान लीजिए एक भैंस दी है, तो आप मान लीजिए ब्याज हुआ 6 महीने का 10%, यानी कि आप मुझे 6 महीने बाद मुझे आप 11,000 रुपये दे सकते हो, ये आज मनी है इसलिए। लेकिन उस समय मान लीजिए मैंने आपको एक भैंस दी होती और आप उस मुझे 6 महीने बाद या साल भर बाद मुझे आप कितनी भैंस देंगे कि ऐसा हुआ हिसाब कि भाई आधी भैंस, तो आधी भैंस देंगे क्या, आधी भैंस देंगे मेरे किसी काम के नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम फ्यूचर में पेमेंट कितना देना है वो कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। तो ये थर्ड प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट को कैसे डिसाइड करें, दैट वाज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये चार प्रॉब्लम ही है मेजरली, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम स्टोर कैसे करें वैल्यू को। देखिए आज हमारे पास मनी है, आज हमारे पास बैंक अकाउंट है, आज हम जो है पैसे इकट्ठे कर सकते हैं या हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को संभाल के रख सकते हैं। अब मान लीजिए पुराने ज़माने में आपने आलू रख लिए, आलू कब तक रख पाओगे, 1 महीने 2 महीने उसके बाद ख़राब हो जाएंगे। आपने मान लीजिए गेहूं हुए, गेहूं आपने रख लिए, अब गेहूं आप कितने टाइम तक रख पाओगे, सालों साल तक रख पाओगे क्या, 1 महीने 2 महीने 4 महीने साल भर बाद तो उसमें जो है वो खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कमोडिटी को बहुत लंबे समय तक हम संभाल कर रख सकते थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक। तो बार्टर एक्शन सिस्टम की चार प्रॉब्लम थी, वो चार प्रॉब्लम कौन कौन सी थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सारी चारों प्रॉब्लम थी। अब ये चारों प्रॉब्लम का जिसने सॉल्यूशन निकाला, इन चारों प्रॉब्लम का जो जिसने सॉल्यूशन निकाला उसका नाम है मनी। तो मनी का एवोल्यूशन इस वजह से हुआ क्योंकि ये चारों प्रॉब्लम थी, तो ये चारों प्रॉब्लम को जो सॉल्व करे, ये चारों प्रॉब्लम को जो सॉल्व करे उसका ही नाम क्या है, उसका ही नाम मनी है। तो मनी मीन्स वॉट, मनी इट मीन्स विच कैन सॉल्व दिस ऑल दिस 4 प्रॉब्लम्स, वो इन चारों प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो निकाल दे। वो चारों प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यार मुझे कुछ और चाहिए, मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो मेरी चीज़ ले ले और वो मुझे जो चाहिए वाली चीज़ दे दे। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है यदि हमारे पास एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, राइट। जैसे कि रुपया आ गया, रुपये से मैं, से फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं पहले बेचना चाहता था एक जो है एक भैंस बेचना चाहता था और गेहूं खरीदना चाहता था, तो मैंने किसी और को भैंस बेच दी, उससे पैसे ले लिए 10,000 रुपये मान लो ले लिए मैंने, और 10,000 रुपये से मैंने गेहूं खरीद लिए, राइट। तो वो जो रुपये हैं, रुपये वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, रुपये मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यानी कि एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो मनी इज एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्शन। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई आपकी मनी की, कि मनी इज एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो सबसे प्राइम वर्क रहा।
सेकंड हम बात करते हैं लेक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी कि हम ये कैलकुलेट कैसे करें कि यार किसी चीज़ की कीमत कितनी है, किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है। तो वो प्रॉब्लम जो है मनी के आने से सॉल्व हो गई। आज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी एक चीज़ की कीमत इतनी है, से फॉर एग्जाम्पल एक बकरी की कीमत 500 है, ठीक। और एक बकरी की कीमत 500 है तो चार बकरी की कीमत कितनी हुई, चार बकरी की कीमत 2000 रुपये हुई, ठीक है। और मान लो कि एक भैंस आती 4000 रुपये में, तो कितनी भैंसा हमें दो भैंस खरीद मतलब एक भैंस खरीदने के लिए कितनी बकरी देना पड़ेगी, एक भैंस खरीदने के लिए हमें जो है चार और चार आठ बकरियां देना पड़ेगी, राइट। तो बड़ा कैलकुलेशन करना क्या है, बड़ा आसान हो गया। मैं सब एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसमें ज़्यादा एग्जांपल की गहराई में मत जाओ, राइट है। तो आप एग्जांपल की गहराई में मत जाओ कि लेक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, तो लेक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम अब नहीं रही क्योंकि अब हमारे पास मनी है। तो मनी ने जो दूसरी प्रॉब्लम सोल्व की वो है measurement of ये एम ई है एस है measurement of value, राइट। तो measurement of value की जो प्रॉब्लम है वो मनी ने सॉल्व कर दी। measurement of value की मनी ने जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब आपको कोई भी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो गया। तो अब आपकी डेफिनेशन क्या हो गई, मनी इज एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। और यदि हम बात करें कि हम बात करते हैं कि जो थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी, ये तो इसके बहुत प्राइमरी फंक्शन हो गए, आप इनको बोल सकते हैं सेकेंडरी फंक्शन जो आएंगे। अब लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि फ्यूचर पेमेंट कितना होगा। मैंने आज आपको एक भेज दिए, आप साल भर बाद मुझे कितनी भैंसे देंगे, ये कैलकुलेट करना मुश्किल था बार्टर सिस्टम में। लेकिन जब मनी आ गई तो ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो गया कि मैंने आज आपको 10,000 रुपये दिए हैं, भाई 10% में ब्याज लूंगा। अब 10% में ब्याज लूंगा, इट मीन्स ये हुआ कि आपको मुझे 11,000 रुपये देना है। तो फ्यूचर में पेमेंट कितना होगा, फ्यूचर में उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, वो कैलकुलेट करना आसान हो गया। तो मनी वर्क एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि कुछ नहीं करना है आपको, जितने भी ये आप कहें कि जो लेक था वो लेक को आपने हटा दिया, वो कमी को आपने हटा दिया, तो वही मनी बन गई। तो मनी इज एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और यदि आप फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम पहले जो है कमोडिटी को स्टोर करना, लंबे समय तक स्टोर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज बैंक में पैसे रखना बड़ा आसान है, रुपए अपने पास रखना बड़ा आसान है। तो मनी ने एक और प्रॉब्लम की सॉल्व कर दिया, और वो प्रॉब्लम है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी ने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और मनी ने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो ये है कि हम लंबे समय तक चीज़ें रख सकते हैं और हम वैल्यू को संभाल सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू की जो प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो गई। अब हम जो है किसी भी वैल्यू को, किसी भी मतलब कहें कि किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को हम लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। हमने बैंक में आज 10,000 रुपये जमा करा दिए, हम जब तक ना निकाले तब तक वो हमारे पास रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, राइट है। आपने जो है पैसे रख लिए, अब रखे तो रखे हैं, जब तक नोट बैन ना हो तब तक तो कोई दिक्कत ना है, राइट है। तो यानी कि मनी ने ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी। तो मनी इज एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट। तो ये चारों प्रॉब्लम को जो सॉल्व करे उसका नाम मनी है। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि मनी का मतलब सिर्फ हम ये नहीं कि हम सिर्फ करेंसी बोल दे, तो करेंसी मनी नहीं है, सिर्फ करेंसी मनी नहीं है, करेंसी तो मनी है ही सही, करेंसी इज मोस्ट लिक्विड मनी, वो ऐसी मनी है जो आप वो हर वक्त आपको ट्रांजेक्शन करने में फटाफट काम आ सकती है, इसलिए वो जो है मोस्ट लिक्विड जो है मनी हुई। तो करेंसी जो है वो तो मनी है ही सही, इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो आपको ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे वो भी मनी है। जैसे कि यदि हमारे पास कोई डिमांड डिपॉजिट है, अब डिमांड डिपॉजिट मीन्स वॉट, जो डिपॉजिट हम ऐसे डिपॉजिट जिस पर हमको चेक इश्यू होता है, जो चेकेबल डिपॉजिट है, जिसको हम जब चाहे तब डिमांड कर सकते हैं, जब चाहे तब हम निकाल सकते हैं, ऐसी डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी एक टाइप की मनी है। हमारे पास जो प्लास्टिक कार्ड पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पास जो ATM कार्ड पड़ा हुआ है, वो भी मनी है।
हमारे पास यदि जो कोई सिक्योरिटीज पड़ी हुई है तो वो सिक्योरिटीज भी मनी है. सिक्योरिटीज इट मीन्स यदि हमारे पास कोई एफडी किया हुआ है, एफडी का हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, या हमारे पास शेयर के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, हमारे पास डिबेंचर के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, या हमारे पास बॉन्ड के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या बिल्स बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल्स रिसीवेबल जो हो, तो आपके पास या कोई चेक हो, तो ये जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप लोगों को पेमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें मनी है. तो मनी में डिमांड डिपॉजिट भी आएगा, मनी में टाइम डिपॉजिट भी आएगा, मनी में जो है आपके वो सारी चीज़ें भी आएंगी जो सिक्योरिटीज़ हैं, मनी में इवन गोल्ड तक भी आएगा. पर लेकिन वो हम इस कैटेगरी वो एक अलग कैटेगरी में आ जाएगा, राइट. आज के टाइम पर यदि हम बात करें तो वो उस मतलब कहें कि लिक्विड मनी की कैटेगरी में वो नहीं आएगा, राइट. तो हम जब बात करते हैं तो हम यूजुअली मोस्ट लिक्विड मनी की ही बात करते हैं. तो जो मोस्ट लिक्विड मनी है वो तो हो गई आपकी करेंसी. फिर यदि हम बात करें तो वो हो गया आपका डिमांड डिपॉजिट और सिक्योरिटीज, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह ये हो गए, चेक वगैरह हो गए, ये मोस्ट लिक्विड के कैटेगरी में आएंगे. सिक्योरिटीज भी मोस्ट लिक्विड की कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट. तो मनी इट मीन्स आप जब भी मनी की बात हो रही है, इट मीन्स हम लोग यूजुअली हम जो मोस्ट लिक्विड है वो है आपका करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, ठीक. तो ये तो था मनी के बारे में. अब आगे हम पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई क्या है.